कैरोलाइन कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की नहीं है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो सब बस उसके दिमाग में है, असलियत में नहीं। वो सिर्फ टीचर्स के बीच ही पॉपुलर होने का सपना नहीं देखती, बल्कि कॉलेज क्वीन भी बनना चाहती है, और क्यों नहीं। पर कैरोलाइन को इसके लिए छोटा सा मौका भी नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छी भी हो सकती है। एमा को अपने ग्रेड सुधारने में मदद चाहिए, अगर कैरोलाइन उसकी पढ़ाई में मदद करे तो, और वो एक पढ़ाकू को पॉपुलर बनाने की कोशिश करे। चलो चले और ब्यूटी को पाए। सब कहते हैं कि हर लड़की सुंदर होती है, बस आपको उसे ढूंढना होता है। कैरोलाइन में वो बहुत अंदर छिपी है और बाहर आना नहीं चाहती। एमा पढ़ाकू की स्ट्रॉन्ग साइड को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब तक उसे बस स्ट्रॉन्ग शोल्डर ही मिले हैं। ये सब उसके वर्कआउट रूटीन की वजह से है। इस कच्चे डायमंड पर अभी बहुत काम करना बाकी है। डायमंड्स पर पिंपल नहीं होने चाहिए। ऐसा लगता है कि ये पिंपल अब एमा के चेहरे पर रहेगा। आप जैसे हैं, उसी में खुश होना ब्यूटी का पहला स्टेप है। अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बनाओ। एक लड़की की स्माइल से माहौल बन जाना चाहिए। लेकिन कैरोलाइन के दांत उसके डांट की फोर्ड से भी बुरे दिख रहे हैं। एमा को उन पर बहुत मेहनत करनी होगी, सीधे करना, पेंट करना और शायद वेल्डिंग भी। लगता है कि कैरोलाइन ने अपनी जिंदगी में कभी स्माइल या किस करने का कभी नहीं सोचा। ये बहुत बुरा है। वो अपने मुंह में कभी अजीब चीजें नहीं डालती, वो एक छोटे बच्चे की तरह कर रही है सच में। तो उसे भी बच्चों वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। ट्रेन डिपो में चली गई। सब ठीक है, सांस लेती रहना कैरोलाइन। रिजल्ट कमाल का है, एक चमकदार सफेद स्माइल है। अब वो अपने क्लासमेट्स के जोक्स पर हंस सकती है, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो लड़कों को देखकर अच्छी सी स्माइल तो दे सकती है। कैरोलाइन बदल रही है। उसने अपने बालों को ब्रश करने के लिए पढ़ना बंद कर दिया है। ये काम नहीं किया, लेकिन उसने कोशिश तो की। अब हेयर ब्रश हमेशा उसके बालों में रहेगा। एमा को इसे ठीक करना होगा। कैरोलाइन को सुंदर बनाना ही उसका प्रोजेक्ट है, तो वो किसी भी हद तक जाएगी। फिजिक्स के लेसन वक्त की बर्बादी नहीं थे। ऐसा लगता है कि दिमाग में बिजली के झटके लगे हैं। अब पढ़ाकू के बाल ऐसे दिख रहे हैं कि जैसे वो 80s के ग्लैम रॉक बैंड से हो। क्या वो हमेशा ऐसे ही रहेगी? एमा को सब कुछ ठीक करना होगा, और जैसा कि कैरोलाइन ने बोला था, उन्हें सारे बाल काटने की जरूरत नहीं है। पता चला है कि स्टेशनरी बालों की देखभाल के लिए एकदम सही है। पढ़ाकू को ये ब्यूटी हैक्स बहुत पसंद है। वो एकदम से चैलेंज के लिए तैयार हो गई, और उसे कर्लर्स की जगह कुछ और मिल गया। अब कैरोलाइन अपने नए दोस्त को बदले में कुछ देना चाहती है। अब पढ़ने का वक्त आ गया है ब्यूटी, चलो बेसिक से शुरू करते हैं। एमा पूछती है कि अजोफ क्या होता है। कैरोलाइन एक मुश्किल टॉपिक को आसान शब्दों में समझा रही है, लेकिन पॉपुलर लड़की के दिमाग में टिकटॉक वीडियो ही भरी हुई है। नॉलेज के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। एमा को ब्लैक बोर्ड पर जवाब लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत परेशानी में है, और उसे घबराहट भी हो सकती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस क्यूटी की मदद करें, कमेंट्स में लिखें कि लाइन कहाँ खींचनी चाहिए। वो आपकी मदद के बिना इसे पूरा नहीं कर सकती। एमा अपनी स्टूडेंट से मिलने आई है, और उसे बताती है कि उसे अपनी मूंछों का कुछ करना चाहिए। उसे मूंछों से कोई परेशानी नहीं है, जब तक वो किसी लड़की के चेहरे पर ना हो। उन्हें यहाँ घास काटने वाली मशीन की जरूरत है। वैक्स स्ट्रिप को देखकर कैरोलाइन घबरा रही है। उसे समझाना आसान है, क्योंकि इससे दर्द होता है। एक और ऑप्शन है, कॉन्सुएला, प्रोफेशनल गार्डनर। ये इतने भी ज्यादा बाल नहीं है। अपनी मूंछों को बाय बाय कहो, तुम हमारी कॉलेज क्वीन बनने वाली हो। उसे उनकी बहुत याद आएगी, क्योंकि उसे हमेशा अपनी मूंछों में से कोई ना कोई स्नैक मिल ही जाता था। कॉन्सुएला के काम के पैसे देने का वक्त आ गया है, वो कोई उधार नहीं देती। ऐसा लगता है कि कैरोलाइन के लेसन्स बेकार रहे। उसे अपने स्टूडेंट के लिए फिर से टेस्ट लिखना होगा। किसी ने नहीं कहा था कि ये आसान होगा। एक और टेस्ट में फेल हुई तो एमा को निकाल दिया जाएगा। हो गया, कैरोलाइन ने एफ ग्रेड को पूरी तरह से सही कर दिया है। कैलीग्राफी उसके बेकार टैलेंट्स में से एक है। एमा ने अपने दोस्त को थैंक यू बोलने का फैसला किया है। वो उसके लिए कुछ खास करना चाहती है। पढ़ाकू को क्या पसंद होता है? चश्मे। एक पढ़ाकू भी स्टाइलिश बन सकती है,
बस आपका तरीका सही होना चाहिए। अब एमा के पास भी कैरोलाइन को खुश करने के लिए कुछ है। पढ़ाकू बहुत खुश हो गई है, उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला। बहुत अच्छा फील हो रहा है, दोनों लड़कियों ने कुछ नया सीखा है। फ्यूचर की कॉलेज क्वीन को अपने वेट के बारे में सोचना होगा। पढ़ाकू को बस इन्हीं नंबर से नफरत होती है, ये अजीब है। कैरोलाइन का वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो स्केल पर खड़े होकर कैसे खा सकती है? जब एमा स्केल को देखती है तो वो कई हफ्तों तक खा नहीं पाती। तुम्हें पतला होना चाहिए। पढ़ाकू को डाइट के हिसाब से चलना होगा, उसे मैथ्स बहुत पसंद है, इसलिए वो पूरे दिन कैलोरी गिन सकती है। और उसे अपने मुंह को बंद रखना होगा, कैरोलाइन हमेशा उसमें कुछ न कुछ डालने की कोशिश करती रहती है। उसे इस सिचुएशन का इस्तेमाल करना होगा। खाने वाली के लिप्स अब ब्यूटी के लिए है, ना कि खाने के लिए। एमा ने ये लाइफ हैक टिकटॉक पर देखा था, इस पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये काम करता है। पढ़ाकू बहुत एक्साइटेड है, काश वो अपनी पलकों के साथ भी ऐसा कर पाती। कैरोलाइन अपने क्रश की फोटो को घूरते हुए घंटों बिता सकती है। मैथ्स के अलावा एक यही चीज उसके दिल के धड़कन को रोक सकती है। एमा ने इसे मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया है। फ्लर्ट करना सभी सुंदर लड़कियों का एक सीक्रेट स्किल है। कैरोलाइन ऐसे फ्लर्ट करती है जैसे उसे हार्ट अटैक आ रहा हो या उसने कुछ बुरा खा लिया हो। कोई बात नहीं, हर कोई पहली बार में कामयाब नहीं होता। एमा सब कुछ ठीक करने और उसे सिखाने के लिए सही वक्त पर आ गई है। उसने सैकड़ों हैंडसम लड़कों को अपनी ओर खींचा है। वो वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट्स के लिए एक वेयर हाउस किराए पर लेती है। एक दिन कैरोलाइन जरूर सफल होगी, आज नहीं लेकिन ऐसा एक दिन जरूर आएगा। इसके इरादे मजबूत हैं और वो जानती है कि उसे क्या करना है। उसे बस लड़के तक पहुंचने के लिए सही तरीका ढूंढना होगा। वो ए ग्रेड वाले टेस्ट के आगे खुद को नहीं रोक पाएगा, उसने उस पर पूरा काबू कर लिया है। वो ब्यूटी से कुछ नहीं कर पाए लेकिन उसका दिमाग काफी स्ट्रांग है। ए ग्रेड के साथ क्रैश होना सबसे बड़ी चीज है। ऐसा लगता है जैसे दो पढ़ाकों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। कैरोलाइन अपने दोस्त के ग्रेड को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है लेकिन एमा के लिए पढ़ाई बहुत मुश्किल है। पढ़ाकू बहुत जोश में है, उसे नॉलेज बांटना बहुत पसंद है लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि ब्यूटी को एक शब्द भी समझ नहीं आया। कैरोलाइन ने एक अलग तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया है, एक वैक्यूम क्लीनर। क्या उसने सफाई शुरू कर दी? ये वक्त सही नहीं है। इस पावरफुल मोड ने किताब के सभी फॉर्मूलाज को सोख लिया है। उसे बस उन्हें एमा के सुंदर दिमाग में डालना होगा लेकिन मुसीबत ये है कि वो वहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं टिकेंगे। ब्यूटी के दिमाग को साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन वो हमेशा एयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकती है। इस तरह एमा और भी ज्यादा स्मार्ट हो गई है। बस इस सबको अंदर ही रखना। ब्यूटीज के लिए एक्सेसरीज, पढ़ाकू के लिए रंगीन पेन की तरह है। कैरोलाइन के हाथों में कुछ पहनाने का वक्त आ गया है, बढ़िया। लेकिन उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसने कुछ बेहतर चुनने का फैसला किया है। सुइयों वाली घड़ी, ये दिमाग वालों को समझ आएगी। ब्यूटीज को सुइयों से वक्त देखना नहीं आता। लड़कियों लड़ाई मत करो। दोस्तों आपको किसकी पसंद ज्यादा अच्छी लगी, एमा की या कैरोलाइन की? कॉमेंट्स में लिखे, वो आपके बिना इसका पता नहीं लगा पाएगी। पढ़ाकू के लिए चश्मे को बाय कहने का वक्त आ गया है। वो उन्हें तब से पहन रही है जब से वो 3 साल की थी। एमा को लगता है कि उसे अपनी सुंदर आंखें छिपानी नहीं चाहिए, उसे उन्हें दिखाना होगा। पढ़ाकू की आईब्रोज भी बहुत वक्त से ठीक नहीं की है, उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है? ओह, उसने सब कुछ गलत समझ लिया। मुझे लगता है कि वो सहमत है, मुझे कोई खास चीज नहीं है, ये एक परेशानी है। ये अच्छी बात है कि होशियार एमा यही है। अब ऐसा लगता है कि कैरोलाइन किसी अरब शॉप में कुछ बेचती है, सुंदर लेकिन एकदम सही दिखने के लिए थोड़े टचअप की जरूरत है। खैर, नई कैरोलाइन से मिले। एमा ने टिकटॉक पर एक नया लाइफ हैक देखा और वो इसे अपने दोस्त पर ट्राई करना चाहती है। पढ़ाकू उसके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहती लेकिन कुछ नया करने का वक्त आ गया है। वो बहुत वक्त से खुद को हर चीज से रोक रही है। जिंदगी को हाँ कहो कैरोलाइन, अब नतीजे देखो। उन्होंने उस ब्लॉगर से भी बेहतर काम किया है। कैरोलाइन की सेल्फ एस्टीम एक हफ्ते में बोस्टन के स्काई स्क्रैपर की तरह बढ़ गई है। उसके पास एक अच्छी टीचर थी और इतना ही नहीं, बस कुछ आखिरी टचेस बाकी है। कैरोलाइन शानदार दिखेगी, ये सब ग्लिटर की वजह से होगा। वो इससे ज्यादा सुंदर कभी नहीं दिखी होगी और उसे डर है कि वो कभी नहीं दिखेगी। इसे लगाने का सीक्रेट हर एक सुंदर लड़की के पास होता है। एमा ने कैरोलाइन को ना बताने का फैसला किया है।
अब उसके पास सच में नई कॉलेज क्वीन बनने का मौका है। कपड़ों के बारे में बात करने का वक्त आ गया है, उन्हें इसका कुछ करना होगा। और सबसे बुरी बात यह है कि कैरोलाइन ये भी नहीं समझती कि इसमें कोई परेशानी है। उसके ये कपड़े उनकी सारी मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी मनपसंद ड्रेस पहन सकती है। उन्हें बस इसे बेहतर बनाना होगा। ये इस तरह बेहतर है, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी उन्हें जरूरत है। एक नॉर्मल ड्रेस पहनो और अपनी सोच अपने तक रखो। वाह, दुनिया इस कैरोलाइन के लिए तैयार नहीं थी और वो खुद भी इसके लिए तैयार नहीं थी। उसे अब इसकी आदत डालनी होगी। सुंदर होना एक बहुत बड़ी पावर है और बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कैरोलाइन के कॉलेज जाने और अपना क्राउन लेने का वक्त आ गया है। लेकिन आखिर में सबसे अच्छा बनने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि वो असलियत में कौन थी। एमा को खुद पर गर्व है क्योंकि उसने ये सब किया है। ये सब एक अच्छे मेंटोर और कैरोलाइन के सब्र की वजह से हुआ है। किसी ने भी कॉलेज में बोरिंग पढ़ाकू को नहीं पहचाना। अब कैरोलाइन सबसे पॉपुलर ब्यूटी बन गई है और जाहिर है कि कॉलेज का क्वीन कॉन्टेस्ट कौन जीत रहा है, उसे क्राउन मिल गया। रुको, क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल क्राउन नहीं है। कैरोलाइन के सामने एक नया कमाल का एडवेंचर आना बाकी है। अमीर लड़कियां उसके लिए जादू का इस्तेमाल करती हैं। गोल्ड कार्ड हर जगह रोशनी कर देगा। असल में हेलेन अपनी दोस्त का प्लान नहीं समझी। उसे समझने की जरूरत नहीं है, उसे सरप्राइज होना है और कहना है कि कैरोलाइन कितनी कूल है। अब हेलेन खुश है और खुद का काम करना चाहती है। उन्हें हमेशा कार्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अपने हाथों से कुछ समय तक काम करना भी दिलचस्प है। उसने बेड के लिए गोल्ड कैनोपी बनाई। वो बाकी का कपड़ा कूड़े में फेंक सकती है। वो रूम के इस हिस्से को गरीबों का हिस्सा कहते हैं। एमा के सिर पर हमेशा कुछ न कुछ लता रहता है। न्यूटन से कम नहीं है। बम्स की वजह से वो कोई दूसरा हेयर स्टाइल नहीं बना सकती। स्काई ने उसे ठीक समय पर रोक दिया। उसे कूड़ा पसंद है। अगर इसमें आधा खाया हुआ सैंडविच हुआ तो कूड़े में छानबीन करना खजाना ढूंढने जैसा है। उसने स्टिक्स और पैचेस से गरीबों वाली कैनोपी बनाई। कूड़ा, दिमाग से इस्तेमाल और जोश से गरीबों का बेड आरामदायक बन गया। हमेशा की तरह एमा ही अपनी बात मनवाना चाहती है, पर उसकी ट्रैश सीलिंग काफी अच्छी लग रही है। अमीर लड़कियां अपने तरीके से मजे करती हैं। उन्होंने गोल्ड पजल्स ऑर्डर की। गरीब स्काई उन पर नजर रख रही है। स्पाई बनना हमेशा मजेदार होता है और वो अपने दुश्मनों के साथ भी थोड़ा उलझ सकती है। बदला जितने समय बाद लिया जाए उतना अच्छा लगता है। अपनी पजल्स को संभाल लो, इस तरह के प्रेशर को झेलना आसान नहीं है। तुम्हें हरिकेन एमा कैसी लगी? वो ज्यादातर लोगों के नाम नहीं रखते हैं। कैरोलाइन ने बेट को इस तरह पकड़ा है जैसे फुटबॉल टीम की कैप्टन वही हो। गरीब लड़कियों को शरारते करना पसंद है। उसे अपने बाल दोबारा बनाने होंगे, पर जरा पजल को देखो, वो बहुत अच्छी तरह से दीवार पर चिपके हुए हैं। एक प्रॉब्लम कम हो गई। गरीब लड़कियां सब कुछ खराब करना चाहती थी, पर उन्होंने और बेहतर बना दिया। अमीर लड़कियां अपनी ब्यूटी की बहुत चिंता करती हैं। एक टूटा हुआ नेल या एक पिंपल उनके लिए आफत से कम नहीं है। उन्हें ब्यूटी इमरजेंसी की जरूरत है। एमा अपने स्ट्रॉन्ग लेंसेज से उन पर नजर रख रही है। वो अपनी रूममेट्स की तरह ही सुंदर बनना चाहती है। हेलेन ने पहले कभी भी ध्यान नहीं दिया कि कैरोलाइन के तीन हाथ हैं। गरीब क्यूटी का प्रैंक काम कर गया। नेल पॉलिश बहुत महंगी है और वो उसे बर्बाद नहीं करना चाहती है। कमेंट्स में बताएं कि इसमें से कौन सा हाथ कैरोलाइन का नहीं है। शुक्रिया। रूम के अमीर हिस्से में असली प्लांट है। इनमें जल्दी ही फूल आ जाएंगे और कमरा बढ़िया महक से भर जाएगा। पर गरीब लड़की के पास इस प्लांट को लेकर अलग प्लान्स हैं। चोरी करना बुरा है, पर स्काई ने ये कभी सुना नहीं है। बेड सजाने के लिए उसे खूबसूरत पत्ते चाहिए। उसी समय बेचारी हेलेन अपने नुकसान पर रो रही है। कैरोलाइन को यकीन है कि ये गरीब लड़कियों ने किया है। इन्वेस्टिगेशन से इसका पता चल जाएगा। उसे लगता है कि वहाँ एक फ्लावर पॉट है। कैरोलाइन ने बहुत सारे डिटेक्टिव शोज देखे हैं। वो पक्का पता लगा लेगी। वो बालकनी में नहीं है, उसकी पसंदीदा पिलो के नीचे भी नहीं। उसे वो कहीं भी नहीं मिला और गरीब लड़की ने अंदर घुसने के भी पैसे ले लिए। आइकिया का नया प्रोडक्ट आया है, ये शीशा सच्चाई दिखाता है। अमीर लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। उन्हें रूम के लिए यही तो चाहिए।
रिफ्लेक्शन ने हेलेन को डरा दिया। इससे पता चलता है कि वो गरीब है, उसे इससे उभरना होगा और ये भी ठीक होगा। पर कैरोलाइन ने अपना रिफ्लेक्शन देखा। लगता है ये शीशा रूम के इंटीरियर के लिए ठीक नहीं है। काई रूम सजाने के लिए मेहनत कर रही है और उसकी रूम में टिकटॉक चलाकर आराम कर रही है। स्काई ने बटरफ्लाई ऑर्गेनाइजर से उसकी मदद करने को पूछा, पर स्काई जो भी कुछ पूछती है एमा हमेशा भूल जाती है, इसलिए उसने अपने दोस्त के माथे पर रिमाइंडर छोड़ने का सोचा। बेकार आइडिया है, वो ज्यादातर मिरर में देखती नहीं है। स्काई को हमेशा के लिए उसके जवाब का इंतजार करना होगा। ऐसे बर्ताव से स्काई को गुस्सा आ रहा है। मदद करने के लिए एमा और कितने रिमाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी। लगता है बहुत हो गया। एमा ने काम करना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई बनाने के लिए उसे पहले कैटरपिलर बनने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजर तैयार है। अमीर लड़कियों ने मैजिक स्टफ वेबसाइट से कुछ अनोखा ऑर्डर किया। ये यूट्यूब लाइक बटन है, बस लाइक करें और गिफ्ट पाएं। ये लड़कियाँ ट्रीट्स के लायक हैं, पर अमीर लड़कियों के लिए ये अभी भी काफी नहीं है। गरीब लड़कियाँ ये स्वीट्स पूरी जिंदगी खा सकती हैं और अमीर लड़कियों के लिए ये बस एक शाम की ही बात है। स्काई ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है। उसके मुँह में इतना पानी आ चुका है जिससे बाढ़ आ सकती है। उसने मैजिक बटन तक पहुँचने का सोचा। स्काई की कुछ खाने में मदद करें प्लीज। इस वीडियो को लाइक करें। ऑनलाइन शॉपिंग काफी आसान है। मॉल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर बैठे सब कुछ खरीद सकते हैं। कैरोलाइन अपने दोस्त के लिए कुछ ट्रेंडी ढूंढने वाली है। उसे सारे फैशन ट्रेंड्स पता है। ऑस्कर में जाने की लुक्स चुनने के लिए हॉलीवुड स्टार्स उसी की राय लेते हैं। हेलेन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ढूंढना काफी आसान है। देखो वो खूबसूरत है, पर बाकी के सामान का क्या करें? अमीर लड़कियों के पास इसके लिए बढ़िया बकेट वार्डरोब है। उप्स, ये तो टूटा हुआ है। स्काई को सफाई बहुत पसंद है और उसके रूममेट को बिल्कुल नहीं है। एमा को लगता है कि ट्रैश अपने आप गायब हो गया। वो ध्यान नहीं देती कि स्काई सुबह से शाम तक रूम में घूम कर सफाई करती है और वो इसे हल्के में लेती है। स्काई को इस कचरे की खूबी दिखी और कुछ बढ़िया बनाने का सोचा। पेंडेंट इश्यूज के ट्यूब आरामदायक चेयर में बदल सकते हैं, जहाँ एक बेफिक्र रूममेट आराम कर सकती है। उसकी बेशर्मी की कोई हद नहीं है। वेबसाइट के पास दुनिया के सबसे बेस्ट जूतों की आखिरी पेयर बची है। ये हेलेन का सपना है। ये उसके साइज का नहीं है, पर वो अपना अंगूठा काटने के लिए तैयार है ताकि वो कैरोलाइन को ना मिले। तो ड्रीम शूज किसे मिलेंगे? कैरोलाइन चीट करने वाली है। वो जानती है कि हेलेन को बर्गर्स कितने पसंद हैं और उसके पास अपने जूते हैं। दोस्ती जीत गई है और वो इसे अपनी दोस्त के साथ बांटने को तैयार है। एक शूज हर लड़की के लिए, ये फिट नहीं होते। कैरोलाइन को अजीब आइडिया आया है, क्यों ना इसे अजमाया जाए। जापानीज जायंट योशिहिरो आकियामा उसे एक बार में खींच देंगे। लगता है लड़के ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर लड़कियों को ये और भी पसंद है। इस शूज में पूरी एक लड़की आ सकती है, पर सिर्फ उसमें से एक। पर वो होगा कौन? हेलेन या कैरोलाइन? और रेस फिर से शुरू होती है। गरीब लड़कियां ट्विस्टर के साथ मजे कर रही हैं। एमा की कमर दर्द हो रही है तो स्काई को दोनों की तरफ से खेलना होगा। वो ये संभाल नहीं सकती, उसके बस दो हाथ और दो पैर हैं। लड़कियां बहुत जल्दी थक गई। ऑटम में बहुत जल्दी रात हो जाती है। एमा को दिन और हंसी मजाक पसंद है। उसे आइडिया आया है, क्यों ना वो सर्कल से शैंडलियर बनाए। इससे रूम का गरीबों वाला हिस्सा चमक उठा। अमीर वाले हिस्से की अपनी परेशानियाँ हैं। लड़कियाँ एक साथ फोन में यूट्यूब देखे बिना नहीं रह सकती। पिक्चर बहुत छोटी है, क्वीन से एक बड़ी स्क्रीन के लायक है। बिल्कुल उनके ईगोस की तरह। ट्रूम ट्रिक प्रीमियम सच में है। हेलेन को यकीन है कि ये झूठ है। इस बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। उन्हें दरवाजे कसकर बंद करने होंगे। सिर्फ एलाइट लोगों को ही सर्विस मिलती है। क्या तुमने गोल्डन बिलियन के बारे में सुना है? ठीक है, जो भी हो, जरूरी चीज ये है कि कैरोलाइन और हेलेन को अब शानदार कंटेंट का हिस्सा मिलेगा। वो बहुत एक्साइटेड है। कैरोलाइन को थोड़ा सा टचअप करना है। उसके पास खास कॉस्मेटिक टेबल है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट भी है। उसकी सुंदरता का राज यही है। हेलेन इम्प्रेस हो चुकी है और खुद ही ट्राई करना चाहती है। सिस्टम में कैरोलाइन का चेहरा सेट है, इसी के लिए वो दूसरों के चेहरों के साथ ही करता है।
एलन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर हाथ नहीं लगाना चाहिए था। लगता है वो आज पार्टी में नहीं जाएगी। पता नहीं ये किसका काम है। कॉलेज में इतना सारा काम है कि कभी खत्म ही नहीं होगा। उसकी बुक्स पढ़ते पढ़ते स्काई भी सो गई। एक्सपेल होने से अपनी दोस्त को बचाने के लिए एमा ने अपनी दोस्त की मदद करने का सोचा। नहीं, वो उसका होमवर्क नहीं करने वाली, पर वो कार्डबोर्ड से कॉफी मशीन बना सकती है। जागने के लिए थोड़ी कॉफी बढ़िया रहेगी। कॉफी बीन्स की खुशबू काफी अच्छी लगती है। लगता है उसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। अचानक से उसने रूम साफ करने का सोचा। उसे ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक ज्यादा पीनी नहीं चाहिए। उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी और इस स्लीपिंग ब्यूटी को किस भी नहीं जगा पाएगी। हेलेन ने सोचा कि उनके बेड्स को 2 स्टार्स मिलने चाहिए, पर कैरोलाइन को लगता है वो उन्हें और बेहतर मिलने चाहिए। उसके लिए स्टार स्टिकर्स काफी नहीं है। उसे असली स्टार्स चाहिए, जिसका मतलब वो उन्हें ले लेगी चाहे जो हो जाए। उसका वैक्यूम क्लीनर दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसे बस उसको बोरिंग स्काई से अपने बेड पर लाना है। कोई बात नहीं, अब बेड कंस्ट्रक्शन सच में खत्म हो चुकी है। गरीब लड़कियों का हिस्सा भी तैयार है और ये बहुत बढ़िया लगता है। चाहे उनका कोई बजट नहीं है, पर कौन सा हिस्सा बढ़िया है, गरीब या अमीर? अमीर लड़कियों को ड्रॉ भी नहीं करना है। ओह, ये कैरोलाइन के एयरपोर्ट जाने का समय है। आज उसकी नई शानदार एडवेंचर वाली फ्लाइट है। उम्मीद है कि वो कुछ भूले नहीं। ये क्या है? नियॉन साइन। वो इसे इस्तेमाल करके SOS भेज सकती है, या फिर ये इसे छेद में डाल सकती है ताकि मौली आराम कर सके। देखो, कैरोलाइन का दिल बहुत बड़ा है। लगता है लड़कियां दोस्त बन जाएंगी और कोच को फर्स्ट क्लास में बदल देंगी। वाओ, अभी बहुत सारा काम करना है। अमीर पैसेंजर ने पूरा कोच सेक्शन भर दिया है, जैसे कि ये कार्गो होल्ड हो। मौली सोचने की कोशिश कर रही है कि वो कहाँ से शुरू करे, उसे क्या करना चाहिए जिससे वो पकड़ी ना जाए। उसे ये स्कार्फ मिला है। उप्स, उसके सर पर लग गई और उसने सारे लगेज टैग्स को मिक्स कर दिया। अब उसे सब कुछ ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज क्या है। हे दोस्तों, क्या आप मौली की मदद करोगे? नीचे कमेंट करें और उसे बताएं कि कौन सा लेबल कौन से बैग पर लगेगा। ओह, वो कोच में भी ड्रिंक सर्व करते हैं। लड़कियां इन कप्स और नैपकिंस का इस्तेमाल कर सकती है। मौली ओरिगामी में अच्छी है। उसे कुछ प्यारा बनाना है। उसका प्लेन ज्यादा दूर नहीं गया। उसे उम्मीद है ये चला जाएगा। ये प्लेन सजावट के लिए है, तो उन्हें उड़ने की जरूरत नहीं है। कैरोलाइन ने कुछ क्लाउड्स काटे। यहाँ की खिड़कियाँ बहुत गंदी है, इसलिए असली क्लाउड्स नहीं दिख रहे। मौली ने कुछ खिड़कियाँ धो ली थी जब बर्ड्स ने उस पर अटैक किया था। फ्लाइट अटेंडेंट्स कोच में बैठे पैसेंजर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। अगर वो रूल्स तोड़ेंगे, उन पर सब चिल्लाएंगे और मारेंगे भी। मौली नहीं बैठ पा रही है क्योंकि सीट बेल्ट बहुत अनकंफर्टेबल है। कैरोलाइन, उसकी मदद करो। आखिरकार वो सांस ले सकती है। कैरोलाइन को ये बेल्ट अच्छी लगी। वो इसे और ट्रे को इस्तेमाल करके झूला बना सकती है और वो उड़ते समय उड़ पाएगी। फ्लाइट अटेंडेंट को गुस्सा आ रहा है कि उसने अभी तक बेल्ट नहीं बांधी। मौली को अच्छा लग रहा है कि वो सांस ले पा रही है और उसे झूला झूलना भी पसंद है। पायलट्स को काम करते समय परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन सुंदर फ्लाइट अटेंडेंट्स इनका ध्यान भटका रही है। डिलन उसे अपनी स्किल से खुश करना चाहता है। ब्रिज के नीचे उड़ा पाना मुश्किल है। प्लेन का विंग पानी पर लग गया। डिलन ने फ्लाइट अटेंडेंट के लिए आसमान में दिल बनाया है। ये बहुत रोमांटिक है। वाओ, बहुत सुंदर है। फ्लाइट अटेंडेंट को विश्वास नहीं हो रहा। कैरोलाइन ने पिक्चर बनाई है। मौली को आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसे लगता है पेंटिंग छुपा देनी चाहिए। हम ये छुपा रहे हैं ताकि इसे कोई भी ना देख सके, लेकिन इसे उतारना मुश्किल होगा। सिक्योरिटी सिस्टम इसीलिए लगाया हुआ है। हाथ पीछे करो। मौली कभी हार नहीं मानती। वो कभी किसी काम को मना नहीं करती। अगर हम इन खिड़कियों से नेचर वाली लिविंग पेंटिंग बनाए तो अब कोच आर्ट गैलरी की तरह लग रहा है। कैरोलाइन को यह अच्छा लगा और वो इसे और भी बेहतर बना सकती है। शायद हम रास्ता बदल सकते हैं। उसे पायलट को कुछ लालच देना होगा। कैरोलाइन को पैसों से फर्क नहीं पड़ता। डिलन के लिए पैसे ही सब कुछ है। कितना मजेदार रास्ता है।
साइट्स देखना चाहोगे? मौली को ये अच्छा लग रहा है, उसने ये सब सिर्फ टीवी पर ही देखा है। ये स्कूल की ट्रिप जैसा बिल्कुल नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी ये याद रखेगी। लेकिन कैरोलाइन ने ये सब पहले देखा हुआ है। आईफल टावर देखकर उसे खुशी नहीं होती। मौली बिजनेस क्लास में झांकना चाहती है। यहाँ पर पैसेंजर्स को अपने टैबलेट्स मिलते हैं। बढ़िया है, क्या वो चोरी करने की कोशिश कर रही है? वो मूंछों के साथ अच्छी दिखती है। ओह, तुम्हारे टैबलेट में सिग्नल नहीं आ रहे, हमें इसे ठीक करना होगा। उनके पास सब कुछ अच्छा है, उन्हें टैबलेट्स की जरूरत नहीं है। आईपैड से कोच को और अच्छा लगेगा। कैरोलाइन को मौली का नया लुक अच्छा नहीं लगा, लेकिन स्टैश अब उसकी उंगली पर है। और वो रेजर भी नहीं लाई थी, लेकिन वो ट्वीजर्स लाई थी। चलो कुछ यूट्यूब वीडियो देखें। आखिरकार वो हमें लंच दे रही है। लड़कियों को बहुत भूख लग रही है। मौली खाने के लिए अपना आखिरी डॉलर तक दे देगी। उसे ये उसके ग्रैंडफादर ने दिए हैं। उसे इतनी भूख लग रही है कि वो कुछ भी नहीं सोच पा रही। इतने पैसों में सिर्फ ट्रे और प्लेट ही आएगी। शायद अगली बारी वो पानी खरीद सके। कैरोलाइन ये नहीं खाएगी। अगर वो बहुत प्यार से पायलट से बोले भी तो शायद वो उसके मनपसंद रेस्टोरेंट पर रोक दे। डिलन को रूल्स तोड़ने बहुत पसंद है। उम्मीद है यहाँ कोई लाइन नहीं होगी। ये रहा तुम्हारा लंच, डिलन जल्दी से ले गया। और ये उसके लिए रिवॉर्ड है। ओह नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, ऑन बोर्ड मेन्यू ज्यादा बढ़िया नहीं है। लेकिन मौली ने वो वर्ड्स कभी नहीं देखे। वो ये टाको बेल में नहीं बेचते। मौली के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास प्लान है। उसके पास हमेशा प्लान होता है। उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे टर्बुलेंस बोलना भी नहीं आता, लेकिन कम से कम उसे फ्री कैंडी मिली है। कैरोलाइन की भी तबीयत खराब हो रही है। फ्लाइट अटेंडेंट को उसे कैंडी देनी होगी। जब तक इन लड़कियों का पेट नहीं भरेगा, ये बीमार रहेंगी। कम से कम अब इनके पास बहुत सारी कैंडी है। उन्हें उम्मीद है कि अब इनके पेट में दर्द नहीं होगा। उन्हें कैंडी रखने के लिए शेल्फ बनाना चाहिए। कैरोलाइन के पास कुछ आइडियाज है। अच्छी बात है कि मौली के पास बहुत सारे स्टिकी नोट्स हैं, जिससे वो अपना शेल्फ सजा सकते हैं। कैरोलाइन को ये अच्छा लगा, इसे फोल्डेबल बनाए। शानदार, लेकिन कैंडी कहाँ है? कैरोलाइन के साथ गलत हुआ। इतनी जोर से मत बोलो। उसके माथे पर इतना बड़ा पिंपल। तुम चिल्ला क्यों रही हो? एयरप्लेन हिल रहा है। कैरोलाइन को फर्क नहीं पड़ता, वो इससे पीछा छुड़ाने के लिए कितने भी पैसे दे देगी। इकोनॉमी टिकट में स्किन केयर नहीं मिलता। मौली को लगा कि वो कुछ भी कर सकती है। उसने बस कैरोलाइन को डराया है। उसे मुंह बंद करवाने के लिए 100 बक्स देने होंगे। स्वीटी, रो मत। मौली के पास ये डायरी बहुत सालों से है। इसमें उसके सारे गहरे राज है। जब तक वो पता नहीं लगा लेती कि डायरी में क्या है, वो शांति से नहीं बैठेगी। ओह, मौली को क्लोजेट चाहिए। ये अजीब है, बड़ा सपना क्यों नहीं देखती? पैसे खर्च करो। बड़ा बैंक, बड़ा बूम, विश पूरी हो गई। ये मौली की लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। मेटल डिटेक्टर उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। वो खाने और छुपने के लिए जगह बनाने के लिए हमेशा अपने पास स्पून रखती है। उसे अपना नया लुक अच्छा लगा। ये ज्यादा बढ़िया है। अब कैरोलाइन को उसके साथ जाने में शर्म नहीं आएगी। रुको, हाँ, ये रही। क्या ये वापस पहनो। क्लोज़र टूट गया। या ये ठीक रहेगा। मौली किसी भी चीज से टॉय बना सकती है। कैरोलाइन कोच को फिर से बनाना चाहती है। ये बहुत खाली लग रहा है और मौली खेल रही है। कैरोलाइन को लगता है पैसा ही हर चीज का इलाज है, और वो सही बोल रही है। उसने पैसों को सॉफ्ट स्टूल खरीदने के लिए खर्च किया है। ये पैसों का जादू है। चलो देखें मौली क्या कर रही है। वो कोई जादूगर नहीं है। ऐसा लग रहा है पैसे बता सकते हैं कि ये गरीब है। कुछ लोग अमीर होने के लिए नहीं बने होते, लेकिन मौली अपना रास्ता बना रही है। वो कोई और स्ट्रेटजी के बारे में सोच रही है। ये सूट केस किसे चाहिए? अपने सारे कपड़े पहन लो। मौली के पास कैरोलाइन की बेइज्जती करने का बहुत अच्छा आइडिया है।
वो बहुत अजीब है। सूटकेस से बढ़िया चेयर तैयार हो जाएगी। इसकी बैक भी सॉफ्ट है। कैरोलाइन अब क्लोजेट लग रही है। उसके कान हैंगर्स की तरह है। आखिरकार मॉली सो सकती है और कैरोलाइन इन गंदे कपड़ों को संभाल रही है। कोच में एसी नहीं है, उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। मॉली की नजर फ्लाइट अटेंडेंट्स के कान पर है। जब वो सो रही है, हम प्रोपेलर चुरा सकते हैं, फिर अपना भी बना सकते हैं। इतनी गर्मी में नींद नहीं आएगी। फ्लाइट अटेंडेंट प्रोपेलर के गायब होने की वजह से हैरान है। शायद ये पायलट ने लिया है और प्लेन पर चिपकाया है ताकि ये और तेज उड़े। मॉली पायलट नहीं है, वो इंजीनियर है। उसने प्रोपेलर को बहुत बढ़िया बनाया है। कैरोलाइन उसकी क्रिएटिविटी को देखकर खुश हो गई। आखिरकार उनके पास ऐसा फैन है जो उन्हें बढ़िया ठंडक देगा। हम पुराने प्रोपेलर का क्या करें? फ्लाइट अटेंडेंट पायलट से लड़ने जा रही है। मॉली के पास सारे सबूत वापस रखने और सब कुछ पहले जैसा करने का अच्छा मौका है। वैसे तो पायलट को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बहुत जरूरी काम है। डिलन को उन गलतियों के लिए फंसना अच्छा नहीं लगता जो उसने नहीं की है। बिल्कुल, वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तुम शायद पागल हो गई हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। डिलन को पता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन सच ज्यादा नहीं छुप सकता। वो तो उसके लायक भी नहीं है।